इसी बीच बड़ी खबर मिली है लाहौर से। आपको बता दें पुलिस लाइन के कमरे में कई नरकंकाल मिले हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कमरे में नरकंकाल मिले हैं जिससे हड़कंप मच गया है। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें बोरे में बंद ये नरकंकाल मिले हैं। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप जरूर मचता नजर आ रहा है। तो कई बोरे हैं नरकंकाल के। आपको बता दें पुलिस लाइन के पुराने अस्पताल में नरकंकाल मिले हैं बोरों में भरे हुए। तो कई बोरे नरकंकाल हैं जिसमें, और इस बात से पुलिस महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उन्नाव से। तो पुलिस लाइन में एक कमरे में आपको बता दें बोरों में भरे कई नरकंकाल मिले हैं। कई बोरे हैं जिनमें नरकंकाल भरे हुए हैं। इस बात से, इस घटना के खुलासे के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर ये नरकंकाल कहां से आए, कई अहम सवाल खड़े होते हैं। आप बता दें पुलिस महकमे में भी इस बात से हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको बता दें उन्नाव से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कई शव मिले थे जो नदी में पाए गए थे। अब नरकंकाल मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम राठौर और संवाददाता जुड़ चुके हैं उन्नाव से। विक्रम, जिस तरह से नरकंकाल बोरे में पाए गए हैं, कई बोरे बताए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात से पुलिस महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये नरकंकाल आए कहां से। विक्रम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, विक्रम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि उन्नाव पुलिस लाइन में एक कमरे में नरकंकाल बोरों में भरे पाए गए हैं, और कई बोरे हैं नरकंकाल हैं जिसमें, इस बात से पुलिस महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ है। तो पुलिस लाइन के पुराने अस्पताल के एक कमरे में ये नरकंकाल बोरों में भरे पाए गए हैं। आपको बता दें अभी कुछ दिन पहले ही उन्नाव की एक घटना सामने आई थी जहां पर नदी में कई शव सैकड़ों की तादाद में मिले थे। और अभी दूसरी तस्वीर सामने आ रही है उन्नाव से जहां पर बोरों में भरे कई नरकंकाल पाए गए हैं। आखिर ये नरकंकाल आए कहां से। इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है उन्नाव से। घटना से पुलिस महकमे में पूरा हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें उन्नाव के एक कमरे में ये नरकंकाल मिले हैं, और कई बोरे नरकंकाल के मिले हुए हैं। पुलिस लाइन के पुराने अस्पताल के एक कमरे में नरकंकाल से भरे बोरे मिले हैं। इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप देखा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उन्नाव से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम राठौर जुड़ चुके हैं संवाददाता उन्नाव से। विक्रम, आखिरी नरकंकाल आए कहां से, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी सोनी जी, आपको बताना चाहूंगा आज उन्नाव में उस टाइम पर खलबली मच गई जब उन्नाव स्थित पुलिस लाइन में अचानक से कई नरकंकाल मिल गए। उसमें देखा गया कि जब वहां पर खुदाई चल रही थी उसमें काफी नरकंकाल निकल आए अचानक से। परंतु अभी जो हाल फिलहाल की स्थिति है उसके हिसाब से बताया जा रहा है, पहले पुलिस लाइन के पास एक पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था जिस जहाँ पर बॉडी चेक करी जाती थी, उनकी सारी रिपोर्ट चेक करी जाती थी। बाद में ये पोस्टमार्टम हाउस जिला अस्पताल के पास, उन्नाव जिला अस्पताल के पास कर दिया गया। वहाँ की जो पुरानी बॉडीज थी वो वहीं पर ही थी। अभी हाल फिलहाल डॉक्टर्स बुलाए गए हैं और जो बॉडी मिली है उनकी जांच करी जाएगी, उसके बाद ही पूरी डिटेल सामने आ पाएगी। जी विक्रम, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता विक्रम ने कहा कि पोस्टमार्टम हाउस में जो पोस्टमार्टम के दौरान जो बॉडी रही रह जाने की वजह से कहीं ना कहीं ये नरकंकाल सामने आया है, लेकिन कई अहम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये नरकंकाल कैसे सामने आया। और कई अहम सवाल भी खड़ी करती है ये तस्वीर। उन्नाव के पुलिस महकमे में एक हड़कंप भी देखने को मिल रहा है इस घटना के खुलासे के बाद से।